इकना क्यों हो गया तू इतना पर? गुड मॉर्निंग चीतोस, तो कैसे हो? आज की मॉर्निंग वाकई में बहुत गुड है, क्योंकि हम बहुत ही एक धार्मिक जगह पे आए हैं। धार्मिक ही बोलते हैं ना उसको, हम आए हैं बोर वन। और लोगों की ऐसी मान्यता है कि ये जो बोर वन है, यहाँ पे और भी होंगे, वो शायद काटती होंगे। यहाँ से शबरी देवी ने जो बोर लिए थे और फिर राम जी को खिलाए थे। व्लॉग में भी आपका बहुत मजा आने वाला है, तो एंड तक बने रहना। तो गाइस, ये आप देख सकते हो, यहाँ से हम उस साइड जाएंगे, उस साइड शबरी धाम है और बोर वन उस साइड था। हम आ चुके हैं पहाड़ों के बीच में, आपको मैं क्लिप भी दिखाऊंगा बीच में, बहुत तो मस्त क्लिप ली है मैंने, तो व्लॉग में एंड तक बने रहना। सो गाइस, आज हमारे साथ अंकित ब्रदर और उर्वी भी जुड़ चुके हैं। हेलो उर्वी, हाय बोलो। उर्वी बोला हेलो गाइस। उर्वी 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 बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। वो दिखा, वो टेंपो जा रहे हैं, वो दिखा। बोला अरे तुम कंटेंट वो ट्राई कर रही है, वो भी ब्लॉगर बनेगी। हेलो जी, केड़ा सिस्टम देख रहे हो, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। तो गाइस, हमारे साथ आपको क्या हुआ, आंख में क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, रोना आ रहा। क्यों? लेकिन रोना इतनी धार्मिक जगह देख के इनके आंख में आंसू आ गए। हाँ, इतने सारे प्रसिद्ध बच्चों को देख के मेरे को आंख में, इधर पीछे आश्रम था, इतना मन प्रसन्न हो गया। इन्होंने अभी बोला भी है कि हम भी कुछ दान वान करेंगे, हमसे जितना हो सके उतना। हाँ, क्यों नहीं करेंगे? आप भी गाइस चैरिटी करो और करो भाई, करो यार, करना चाहिए। यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है भाई, तगड़ा देख सकते हो आंटी का। इधर कहाँ है गाइस? फाइनली इस लोकेशन को कहते हैं भाई, और हम यहाँ से निकल रहे हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं भाई? पंपा सरोवर जा रहे हैं। तो वहाँ पे भी बहुत कैड़ा व्यू होगा, तो आपको दिखाऊंगा। टेढ़ा व्यू होगा कि अच्छा भी होगा? कैड़ा कैड़ा मतलब एक नंबर भाई, रास्ता दिखा दूंगा। और ये जा रहे हैं हमारी गाड़ी ये देखो गाइस, रास्ता इस तरह का रास्ता है। ये बीच में ठोकरें लगाई हैं ताकि कोई कुक्के गिर जाए। दो रास्ते, एक यहाँ पे रास्ता, एक यहाँ पे, फिर भी हम रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। गंदे बंदे यार, कसम से। गाइस आप देख सकते हैं कितना लैंडस्केप एरिया और कितना बढ़िया मौसम हो रखा है भाई, एक नंबर सिस्टम भाई। देखो गाइस, चारों तरफ हमारे हरियाली हरियाली है, ये मौसम भाई एक नंबर भाई। गाइस पंपा सरोवर आ चुके हैं और हो रही है तगड़ी बारिश। व्लॉग, ये पंपा सरोवर है, आप देख सकते हैं। अरे भाई, कीचड़ में पैर डाल दिया यार तुम लोगों के चक्कर में। ये रहा पंपा सरोवर, जहाँ पे फिलहाल कुत्ते मौज काट रहे हैं। अरे यार कहाँ है यार? हाँ, ये ऐसे हट कंक्रीट के झोपड़े हैं, कंक्रीट। अरे उस साइड है भाई, चल वेट से। गाइस ये रहा पंपा सरोवर भाई, कैड़ा यार, हैवी सिस्टम भाई। भले भीग जाए पर यार ये तो देखने लायक है, कसम से। तो गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे हनुमान जी विराजमान हैं, और इस तरफ है पंपा सरोवर भाई। बहुत कड़ा व्यू है, तगड़ा भाई सिस्टम है, देख सकते हैं भाई। उस तरफ बहुत गहरा होगा नहीं भाई? कड़ा यार, यार बीच में नहीं जा सकते यार, बहुत कड़ा व्यू, तगड़ा। नहाने का मन, हमारे मम्मी पापा उस उधर ही है, वो नीचे नहीं आए क्योंकि बारिश बहुत तगड़ी हो रही है। लेकिन तुम्हारा भाई, तुम लोगों के लिए बारिश में आया है भाई, तो सब्सक्राइब कर देना। ये बच्चा भाग रहा है, अबे ऐसा क्यों कर रहा है, अबे पागल है क्या? उसको शर्म आ रही है, उसको बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, उसको ऐसा लगता है कि उसके बच्चे। इधर की स्टोरी क्या है वो तो बता। उसको ऐसा लगता है कि अबे इतना शर्मा क्यों रहा है, तेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। अरे अब गाइस, बड़े ही नादान बच्चे हैं यार। अरे देख तो खरी, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल दे भाई, जय श्री राम बोल दे, जय श्री राम। अरे इतना क्यों शर्मा रहा है भाई, मैं कुछ गलत चीजें थोड़ी कर रहा हूँ साला भाई। ये देखो कैड़ा सिस्टम,
एक नंबर भाई, एक नंबर। सो गाइस वहाँ से हम निकले और तुम्हारा भाई बहुत थक गया था, तुम्हारे भाई को बहुत नींद आ गई। फिलहाल लोकेशन दिखा, खेतों के बीच में रुके हैं भाई मौज मस्ती करने। ये देख रहे हो, अभी जा रहे हैं घर, घर जाके अपने दोस्तों से मिलेंगे, फिर आपको सिस्टम दिखाता हूँ, ठीक है। तो गाइस अपने घूम घाम के आ चुके हैं अपने, आपका क्या नाम है? गाइस आज मैं गया था वापी कॉलेज देखने, मैंने एडमिशन कन्फर्म कर लिया वापी में, फिर रोज मैं अप डाउन करूँगा गाइस, कैसे करूँगा वो मेरे को नहीं पता। गाइस फिर से एक बार मितेश का मेज, मितेश ये क्या शॉट मार रहा है, क्या कवर ड्राइव, पागल ही है क्या यार तेरा बॉल तो, यार तू मार किधर रहा है, तेरा बॉल किधर जा रहा है यार, क्या पूछना उसको। एक बार फिर दिखाता हूँ दोस्तों आपको, अरे यार हमारे कल्पेश पटेल को देख सकते हैं, वो गलत चीजें पहन के खेल रहा है या कॉमन प्लॉट में खेल रहा है फिर भी बोल्ड 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 भाई, बॉल गया बाहर, गया बॉल बाहर गया भाई। हाँ बहुत ही ज्यादा मार खा के कैसा लग रहा है, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम तो थोड़ी खेल रहे हैं, मैं थोड़ी खेल रहा हूं। अरे पर प्रैक्टिस में कोई इतनी मार खाता है यार? हाँ मार खाया, मार खाया ही नहीं, मार खाया बोलना। तो कभी तूने इसको बहुत मार पाड़ा ना, बहुत धुलाई की इसकी, बहुत धुलाई की, इतने छोटे से ग्राउंड में कहां हमको मार पड़ेगा। बीच में तुम लोगों ने बॉल खो दिया गाइस, जी हमारे दो सोसाइटी के छोटे बच्चे बॉल खो देते हैं, फिर मुझे बुजुर्ग को उधर जाना पड़ा, जो व्यक्ति वो डॉट है ना यहाँ पे, यहाँ पे हाँ वहाँ पे क्या उसकी धुलाई हुई। पर आप ये क्या पहन के आए हैं? ये तो हम तो अभी तो मॉनसून क्रिकेट चल रहा है। अरे मॉनसून क्रिकेट कितना बुढ़वा हो गया साला। अरे मॉनसून क्रिकेट भले चल रहा, वहाँ पे आपने जो रखा था वो येलो कलर का वो क्या था, वो हमारे दर्शकों को जरा बताइए। तुझे पता ही नहीं चला ये इन लोगों को क्रिकेट का कर नहीं आता, वो जिंदगी का वो क्या बोलते उसको, मैं बोल रहा सपोर्टर है, सपोर्टर है। सोच समझ के बोलना, तेरे पापा ये व्लॉग देख रहे हैं। क्या देख रहे तो गलत गलत चीज मत बोल देना। नहीं यार ऐसी बात नहीं है यार। तो? लेकिन तू क्यों नहीं खेला? कौन, हम तो बोल रहे थे मैं भी खेलूंगा। अरे मैं बेवड़ा हो गया क्या? मैं अगर मैं इन लोगों के साथ खेलना चालू कर दूं तो फिर ये क्या करेंगे? कौन तुम लोग, बच्चों को खेलने देने का? तेरी उम्र क्या है? अरे कितने कितने तूने कितने दिवाली स्किल, तूने कितने दिवाली, मेरी बात सुन, तूने कितनी दिवाली, मैं काफी मौका पर तूने मार कितनी खाई वो बता। देख गाइस सब क्रिकेट खेलते हैं, कभी मार भी पड़ जाती है, कभी विकेट भी मिल जाती है, अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है उसमें, लेकिन गाइस मेहनत करते रहिए, अच्छा सफलता प्राप्त करते रहिए। तो मीत ध्यानीचंद बाबा का ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और ब्लॉग को लाइक जरूर कीजिएगा। ये इनका गुरु है, ये है कपी पटेल जो कि बहुत अभी हम चिखली सीपीएल 2023 में हमने जो सीपीएल खेला था उसमें हम जीत के हकदार थे, इसके सीपीएल के विजेता कप्तान जीत के, हालांकि इन्होंने तो कुछ नहीं किया था, इनकी टीम ने मैच में तो कितना, ये तो पहली बॉल पे आउट हो गए थे, 16 गेंद में 46 रन मारे थे पहली मैच में। धोनी वाला शॉट लगाया, छक्का लगा के, किसने धोनी वाला शॉट, अरे पहली बॉल पे आउट हो गया था तू यार, क्या कुछ ही बोल रहे, छक्का लगा था। अरे यार तू क्या, तू साला कंटेंट के बारे में हमको क्या नीचा दिखा रहा है क्या, 14 गेंदों में 42 रन लगाया था, क्या बात कर रहा है यार तू, तो सच्ची में धोनी है यार, 6 रन दिया था बाद में, पीछे दिखा वो धोनी का नंबर तो नहीं लिखा तूने, नहीं है हमारे क्रिक हीरोज पे जाकर देख लीजिए पता चल जाएगा, छक्का लगा के धोनी ने जो छक्का लगाया था ना श्रीलंका के बीच फाइनल जीता था, इस तरह मैंने छक्का लगाया फाइनल जीता था। अच्छा सॉरी सॉरी, इन लोगों से बहस करने का कोई मतलब नहीं है, ये तो उनकी बात खींचेगी। चलो तो गाइस इसको आज लड़की वाले देखने आने वाले थे तो इसने अपने मुंह का क्या हाल कर दिया, देख सकते हैं आगे का व्लॉग देखिए उसमें है उसका। चिकना क्यों हो गया तू इतना पर? हाँ बोलो जुबा केसरी। तो अमृत अंकल
ये परेश ने दाढ़ी वाड़ी करवाई है तो इसको लड़की वाले देखने आए थे, तो आपका क्या कहना है? ये तेरी बात सही है मेरे भाई। हाँ। आज आए थे वो। हाँ। लड़की नहीं आई थी, लड़की की बड़ी बहन आई थी। बड़ी बहन आई, वो सब घर बात देख के चली गई। तो ये तो मावा, ये तो मावा बाबा खा रहा है तो इसको पसंद कैसे कर लिया इसको? उसने बोला अभी घर का जो लुक है ना वो सब देख लिया, उसका कुछ विद्या उतार लिया, वो देख के चली गई। वो बोल रही थी शाम को मैं मैसेज या फोन करूंगी, बाद में डिसाइड करेंगे। ओके ठीक है। अभी परेश के ऊपर डिपेंड रखते हो, मनीष काका आ गए अभी बाहर से। परेश कांग्रेचुलेशंस, इसको बधाई तो दो यार, इसकी शादी होने वाली है। दाढ़ी वाड़ी देखी नहीं क्या आपने? दो दोस्त बहुत ही गहरी दोस्ती निभाते हुए जल्द शादी करने वाला है परेश भाई और मनीष भाई भी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सो गाइज वहाँ पे बहुत ही प्रोफेशनल फोटोशूट चल रहा है, आप देख सकते हैं। इसको जरूर सब्सक्राइब कर देना। अबे आंटी मित, आप रात को खुले सांड की तरह कहाँ डोल रहे हो? बोलना कुछ। गाइस फिलहाल हम कहाँ पे हैं भाई, बता दें। सोमनाथ महादेव मंदिर दिल्ली मोरा। तो रात को आप यहाँ पे क्यों आए? दर्शन के आज सोमवार है ना। अच्छा, आज श्रावण का पहला सोमवार है गाइस। एक्चुअली हम आज अभी का पहला सोमवार है, लेकिन जो अधिक श्रावण चलता है ना उसका शायद ये पांचवा सोमवार। तुझे अभी तक मूड नहीं हुआ क्या कौन सा सोमवार है? महादेव के सारी चीजें सोमवार आते हैं आज। अभी इस साल मैं आपको डॉन दिखाता हूँ, यहाँ का डॉन है। हाँ, थोड़ा संभल के देखो तो भी, चश्मे लगा लो और अपने आगे नोटों की गड्डिया रख दो। डॉन आ रहे हैं। डॉन चला गया भाई, डॉन गया उस तरफ, वो जा रहे हैं उस तरफ। जिन लोगों को ये डॉन का नाम पता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो फटाफट। तो गाइस मिलिए हमारे डॉन से। हेलो जी, एक शेर और दो बिल्लियाँ। तू तो हुआ बिल्लियाँ निशाना कुछ भी भाई, मजाक से कर लेना बच्चों वाली बात, बात करने देना भाई, कर लेना बच्चों वाली बात। तूने बैठे थे भाई, इसकी तो इतनी फट रही थी कसम से यार। लेकिन मैं खाने में पैसा खर्च वही अच्छी बात है। लेकिन अरे भाई, पर अभी बैठ गए तो क्यों, वो फॉर्मेलिटी कर रहा है भाई। इसमें जब बैठा ना मैं कसम से ब्लॉग लेना चाहता था, लेकिन तब मैं भूल में सबसे टॉप पे बैठ गया। और वो जब मोमेंट लेता है ना भाई, इतनी पड़ती है ना मजाक से हटके भाई, तो वो फोन नहीं निकाल पाया यार, सॉरी यार कसम से। गाइस मैं भी निकालना चाहता हूँ लेकिन मेरी भी इतनी फट रही थी। हमारा ब्लॉग, हमारा ब्लॉग कनाडा में भी देखा जा रहा है, तो तुझे इस बात पे क्या कहना है? बहुत गर्व की बात है, मेरा भाई बहुत आगे बढ़ेगा तू। हमारा ब्लॉग मजाक से हट गया भाई, कनाडा में भी लोग देख रहे हैं। वो हमारा दोस्त है वो बात अलग है, लेकिन देख रहा है वो गाइस। इसकी तो इतनी फट रहा है अभी बोल भी नहीं सकता है गाइस, गूंगा हो गया है साला। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो देन जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।